बच्चों, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें पिछले लेक्चर में हमने यहीं पे स्टॉप किया था कि परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल या नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस, यानी टाइप्स ऑफ मैग्नेट हम लोग पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में दो तरह का मैग्नेट हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है नेचुरल मैग्नेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको अभी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग कल के लेक्चर में हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड एक्सपेरिमेंट देखे थे, जिसमें हम लोगों को यह पता चल गया था कि अगर किसी कंडक्टर से हम लोग करंट को पास करवाते हैं, देन दैट कंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, ठीक है। और अगर करंट की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, मतलब कि कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब उसके आगे परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, उसमें हम लोग डिफरेंस यह देख रहे थे। देखो, परमानेंट मैग्नेट को हम लोग और भी बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्यों बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से, यानी अर्थ के अंदर से ऑब्टेन होता है हम लोगों को, ठीक है। जो कल हम लोगों ने बात करा था कि लोडस्टोन जो होता है, यानी जो ब्लैक आयरन ओर था Fe3O4 का, उससे ये ऑब्टेन होता है इनसाइड दी अर्थ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग मैनमेड, क्योंकि इसको आदमी बनाता है, या टेम्पोररी मैग्नेट भी बोलते हैं। तो टेम्पोररी मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह टेम्पोररी समय के लिए है। जब तक इसमें करंट हम लोग पास करवा रहे हैं तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब करंट हम लोग इससे पास करवाना बंद कर देंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोररी भी। या और आदमी के द्वारा करंट पास करवाया जा रहा है उसमें, मतलब आदमी रहेगा तो, मतलब आदमी बना रहा है इसको, तो इसीलिए इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, मैनमेड मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि इसका पोलैरिटी जो हमने कल आपको बताया था, पोलैरिटी क्या होता है, तो जो हमें यह बताता है कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। तो परमानेंट मैग्नेट जो भी होता है उसका नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब कल ही हमने बात किया था कि अगर इस तरह से मैग्नेट है तो ये उसका नॉर्थ पोल होगा और ये उसका इस तरह से जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये फिक्स है। अब कट कर दोगे तो ये सब सीन यहाँ पे लेकर के मत आना कि सर कट कर देंगे तब, तो फिर भी देखो नॉर्थ पोल यही है, इधर में आ जाएगा साउथ पोल, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब दूसरा कि पोलैरिटी इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड नहीं होता। जैसे क्यों फिक्स नहीं होता है भाई, तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। देख लो, करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं कि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, लेट अस सपोज एक एग्जांपल मान के चल रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे, नीचे से ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं इस तरह से नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, तब इसमें मान लेते हैं कि जो नॉर्थ पोल है ऊपर है और साउथ पोल नीचे है, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर करंट ऊपर से नीचे चला आएगा तो जस्ट रिवर्स कर जाएगा, मतलब नीचे साउथ हो जाएगा और ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा, या जो भी पहले बोले थे उसका जस्ट अपोजिट। क्या बोले कि इसका जो पोलैरिटी यानी नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, या मान लेते हैं कि राइट से लेफ्ट, इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर जस्ट अपोजिट कर दोगे तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि करंट का डायरेक्शन क्या है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका पोलैरिटी फिक्स नहीं होता है, किसका, आर्टिफिशियल का। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जानते हो कि मैग्नेट क्या करता है, चिपकाता है आयरन पार्टिकल्स को या आयरन से बना हुए पार्टिकल्स को अपनी तरफ। तो इसका जो स्ट्रेंथ है चिपकाने का, आयरन या आयरन कंटेनिंग पार्टिकल का, वो फिक्स है, जितना वो नेचुरली है उतना ही फिक्स रहने वाला है। लेकिन इधर इसमें फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं फिक्स होता है, क्योंकि अगर करंट की वैल्यू तुम बढ़ा देते हो तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ उस मैग्नेट का बढ़ जाएगा, और करंट की वैल्यू घटा देते हो तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि कह सकते हो कि जो स्ट्रेंथ होता है इसका, स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, यानी वैल्यू ऑफ करंट के, वैल्यू ऑफ करंट, यानी जितना ज़्यादा करंट का वैल्यू होगा उसमें स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका करंट में करंट की वैल्यू कम होगा उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि अब देखो इसका स्ट्रेंथ फिक्स है, ठीक है, मतलब कि जो भी है बिल्कुल डिफाइंड है कि हाँ भाई इतना ही है, 10 है तो 10 ही रहने वाला है इसका स्ट्रेंथ, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि इसका यूज हम लोग मैग्नेट वगैरह का और भी कहाँ करते हैं, तो लोहा का जहाँ खदान होता है मान लेते हैं वहाँ बहुत बड़ा बड़ा ढेर होता है, बहुत बड़ा बड़ा ढेर। अब उसमें से मान लेते हैं कि मेरे को आयरन पार्टिकल्स को निकालना है चुन चुन करके, तो क्या करते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसके नज़दीक में मैग्नेट लेकर के जाते हैं, तो मैग्नेट जो जितना भी लोहा वाला पार्टिकल है उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरह से लोहा को हम लोग एक्सट्रैक्ट यानी ऑब्टेन कर सकते हैं हीप से। अब देखो इसका स्ट्रेंथ फिक्स है और हम लोगों को पता ये नहीं है कि जो वो ढेर है लोहा का बहुत सारा, उसमें और भी बहुत सारा पार्टिकल मिला हुआ है, उसमें कोई छोटा सा लोहा होगा कोई बड़ा सा लोहा होगा, तो इसका जो स्ट्रेंथ है ताकत है खींचने का, मान लेते हैं इतना बड़ा मैग्नेट है तब वो इतना बड़ा बहुत बड़ा अगर मान लेते हैं कि इतना बड़ा लोहा का पार्टिकल है तब तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, खींचेगा फिर छूट जाएगा, खींचेगा छूट जाएगा, अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन वो गिर जाएगा क्योंकि उसका वजन क्या है ज़्यादा है, तो इस वजह से वो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो बड़े वाले आयरन पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या है आर्टिफिशियल में, जब ये हम लोगों को पता चलेगा कि इसको उठाने के लिए जो लोहा वाला पार्टिकल था उसको उठाने के लिए और स्ट्रेंथ चाहिए मैग्नेट में, तो क्या करेंगे करंट की वैल्यू और बढ़ा देंगे, करंट की वैल्यू और जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या करेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि इट कैनॉट बी यूज इन लार्ज स्केल आयरन इंडस्ट्रीज फॉर लिफ्टिंग आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम हिप, लेकिन इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्यों वाई पोलरिटी ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट इज नॉट फिक्स्ड, यानी पोलरिटी फिक्स क्यों नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, आपको इसको कमेंट सेक्शन में अपने लैंग्वेज में आंसर लिख करके बताना है। ठीक है, और दूसरा वाई स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया। पोलरिटी के लिए क्या बोले हम कि वह डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट पे, और यह डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वैल्यू ऑफ करंट पे। ठीक है, इसीलिए इसका स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होता और इसीलिए इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट हम लोग डिफरेंस देख लिए किसके किसके बीच में, परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बीच में। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है हमारा, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में। ठीक है, यानी अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें और क्या क्या खास गुण हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग रहेगा क्या कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैग्नेट। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में कौन कौन सा और खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रट लेना है बिल्कुल। ठीक है, कि ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सबसे पहला कि जो मैग्नेट होता है उसका स्ट्रेंथ अगर पूछोगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अगर ये मैग्नेट है तो इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है इसके पोल्स पे। ठीक है, ये पोल कहलाता है इसका, दिस इज़ कॉल्ड पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कहाँ पे करता है, आप देखे होगे तो सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है पोल पे। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, क्या बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, यानी क्या लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द, मैक्सिमम कहाँ होता है पोल्स पे होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट में दिया गया। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, तो सेकंड पॉइंट में यह देखा जा रहा है कि जब हम लोग अगर मैग्नेट को मान लेते हैं कट कर देंगे, यानी इफ ए मैग्नेट इज कट, अगर मैग्नेट को हम कट कर देंगे तो क्या स्ट्रेंथ सेम रहेगा या स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगा, यानी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, यह पूछा जा रहा है। तो देखो कट करने का हम लोगों के पास दो तरीका काटने का हो सकता है, कौन कौन सा, ये मान लेते हैं मैग्नेट है तो इसको आप ऐसे भी काट सकते हो यानी वर्टिकली काट सकते हो, तो ए में क्या लिख लेंगे वर्टिकल कट कर सकते हैं, और बी में कैसे काट सकते हैं इसको हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं, यानी इस तरह से मैग्नेट को काट दिए। ठीक है, तो ये कौन सा कट हो गया हॉरिजॉन्टल कट। अब देखो हॉरिजॉन्टल कट और वर्टिकल कट दो तरह से है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि पोल का स्ट्रेंथ हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैग्नेट को हम लोग काटेंगे तो पोल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो मैग्नेट को अगर वर्टिकली कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यह एक मैग्नेट है, लेट अस सपोज यह एक मैग्नेट है। ठीक है,
तो ये अगर एक मैग्नेट है तो इसका ये यही है ना स्ट्रेंथ, यहाँ पे पोल, ठीक है। तो पोल ये घट, ये अगर घट गया, इसका अगर एरिया घट गया तो क्या कहेंगे कि स्ट्रेंथ घट गया। लेकिन ऐसे काटा है तो देखो तो एरिया क्या सेम ही है, एरिया देखो तो पूरा का पूरा एरिया इसका क्या है, उतना ही पहला जैसे जैसे इनिशियली में था वैसा ही अभी भी है, उतना ही एरिया है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर वर्टिकली कट किया जाएगा तब इसका पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, यानी पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ लेकिन देखो तो अब इस केस में ऐसे काट रहे हैं तो पहले एरिया इतना था इसका पोल का, अब एरिया घट करके इतना हो गया, ऊपर में भी छोटा और नीचे में भी छोटा। तो इस सीन में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका पोल स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बता रहे हैं आपको, तो तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर किसी मैग्नेट को हीट करते हैं, ठीक है, तब उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो धीरे 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 डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि एज इट इज आप ध्यान में रखोगे, यानी इफ ए मैग्नेट इज हीटेड, जब एक मैग्नेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, देन इट्स स्ट्रेंथ, देन इट्स स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीजेज, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जीरो हो जाए, ठीक है। यानी इफ़ हीटेड मोर अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया गया तो इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ जो हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग फोर्थ पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि पोल का जो लेंथ होता है, जैसे आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए पोलर लेंथ के बारे में, ध्यान देना पोलर लेंथ क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि यह एक मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट है, और ये 100 सेंटीमीटर का है, तो आप सीधा बोल दोगे कि पोल यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पोल दोनों पोल्स के बीच का जो लेंथ होता है उसी को पोलर लेंथ बोलते हैं, पहले तो ये समझो, ठीक है। क्या बोला गया कि दोनों पोल्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलर लेंथ, यानी द लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन, द लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन किसका, बोथ दी पोल्स, यानी दोनों पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसी को पोलर लेंथ बोलते हैं। अब देखो तो पोलर लेंथ, अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि 100 सेंटीमीटर का है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे एक पोल है नॉर्थ पोल मान लेते हैं और ये साउथ पोल मान लेते हैं, तो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 100। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो पोल होता है मैग्नेट का वो थोड़ा सा इसके अंदर में होता है, ठीक है। यानी मैग्नेट का जो पोल होता है वो इसके थोड़ा सा कहाँ होता है, इनसाइड में होता है, ठीक है। अब ये कितना इनसाइड में होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर का कोई आप मैग्नेट लिए हो, तो उसमें जो दोनों पोल्स के बीच का लेंथ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ होता है कितना, तो सिर्फ और सिर्फ होता है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना, 84 सेंटीमीटर, मतलब कि बाकी कितना बच गया इसमें, 16, तो 16 में से 8% इधर से इनसाइड रहता है और 8% इधर से इनसाइड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में क्या लिख लेंगे कि इफ लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 100 सेंटीमीटर देन इट्स पोलर लेंथ, तब इसका पोलर लेंथ जो हो जाएगा इज कितना होगा, 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर का मतलब क्या, यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज वाइज में देखोगे तो कितना परसेंट होता है, 84%, यानी जितना भी मैग्नेट का लेंथ है उसका 84% है उसके पोलर का क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में था हमारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, फिफ्थ पॉइंट में मैग्नेट के ही बारे में। तो पांचवा पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि अगर किसी मैग्नेट को आप किसी हथौड़े से मारते हो तब भी उस केस में क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी इफ ए मैग्नेट इज बीटेन विथ ए हैमर, ठीक है, अगर किसी मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, किसी हैमर से मारते हैं उस पर, उसके ऊपर में स्ट्राइक करते हैं ठक ठक ठक, तब भी उसका क्या होता है, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेज।
अभी आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है, गर्म भी किए तो इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया, इसको हीट भी किए तो बीट भी किए तो बीट करने से भी क्या होता है, गर्म ही होता है। किसी चीज़ को ऐसे ऐसे बार बार मारो तो क्या होता है, वो गर्म होता है धीरे धीरे, तो उस सिचुएशन में भी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि आखिर कारण क्या है इसका। ठीक है, तो पहले आप इतना को लिख लीजिए, मैं हटा रहा हूँ अब इसको, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट अगला में है कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है भाई कि जो उसका स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज करता है, गर्म करने से भी और क्या करने से, हैमर किसी हथौड़े से उसके ऊपर में मार रहे हैं हम लोग तब भी उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उसका बहुत ही सिंपल सा कारण है, देखो मैग्नेट के अंदर में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होता है, एक साइड में अलाइन रहता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यह एक मैग्नेट है आपके पास और इसके अंदर में जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रहता था वो इस तरह से है। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ और कोई इसका कारण नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से है। अब जब तुम इसको गर्म कर दोगे तो अभी जब ये अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो सब के सब एक डायरेक्शन में ये सब रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करते हो तो गर्म करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर में जो भी पार्टिकल्स होता है जो एक डायरेक्शन में अलाइन रहता है वो इधर उधर रैंडमली डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो रैंडम डायरेक्शन में जाने लगेगा, जैसे मान लो कि अभी सब एक डायरेक्शन में था तो अट्रैक्ट अच्छे से कर रहा था, अब जब हीट कर दिए तो इधर उधर भागने लगा तो उसका जो एक साइड का अलाइनमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और यही डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। और सेम कारण होता है किस चीज़ के लिए, तो जब हम उसको बीट करते हैं तब भी। तो ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जब भी हम किसी पार्टिकल को मैग्नेट को हीट करते हैं या बीट करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है, मैं कंपास नीडल को कल वो डिफाइन नहीं कर सका, दिमाग से निकल गया, तो मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ। कितने लोग बोले कि सर इसका डेफिनेशन आपने लिखा नहीं, तो चलो भाई कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोग लिख लोगे लेकिन नहीं लिख पाया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो यह है कि ऐसा क्या बोले थे कि एक वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या बोले, इस तरह का एक कटोरा होता है, कटोरा मान लो, कटोरा आपके घर में है ये, ठीक है, और ये इस तरह से रहता है और इसके अंदर में क्या होता है, एक यहाँ पे एक ऐसे रहता है और इसमें एक निडल को ऐसे लगा देता है, बस यही एक डिवाइस है। ठीक है, और ये निडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। कब डिफ्लेक्ट करता है भाई, तो जब इसके आसपास में क्या होता है, मैग्नेट का कोई सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब मैग्नेट का सब्सटेंस नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैग्नेट का बहुत ज़्यादा मैग्नेट, अगर बहुत बड़ा मैग्नेट रख देते हो तो डिफ्लेक्शन हो सकता है तेज, मतलब कि स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रहेगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। और एक सिचुएशन हम आपको बताए थे कि अगर डिफ्लेक्ट कर रहा, मान लेते हैं अभी ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो इसका डिफ्लेक्शन भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास नीडल बोलते हैं। इस तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो क्या लिख लेंगे इसके डेफिनेशन में कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक ऐसा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन विच ए मैग्नेटिक निडल इसको क्या बोलते हैं, इज पाइवोटेड ऑन ए बेस एंड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, और वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है कहाँ पे, तो इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब इसके आसपास में मैग्नेट रख दोगे तो मैग्नेट की वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है, तो ये कंपास नीडल हो गया। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक आ गया तो चलो इसी को लेकर के चल लेते हैं। अगला हेडिंग आप लोगों का क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जैसा हम लोग इसको पहले चैप्टर में ही हम एक्सप्लेन कर दिए थे आपको कि वहाँ पे क्या था, चार्ज था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेट है तो उसकी वजह से जो फील्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर कोई आपके पास मान लेते हैं इस तरह से एक मैग्नेट है तो इसके आसपास में लोहा का पार्टिकल रखोगे तो ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और जहाँ जहाँ तक से जितने एरिया से ये आकर्षित करेगा उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन का पार्टिकल ये सब मान लेते हैं कि रखा हुआ है तो उसको अपनी तरफ खींच लिया तो इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट का ये फील्ड है, ठीक है। और ये क्या था, मैग्नेट है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि द एरिया या द रीजन या स्पेस लिख सकते हैं अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों तरफ वैसा रीजन जहां तक ये अपना ताकत का प्रदर्शन करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। अब स्ट्रेंथ को शो क्या करेगा, तुम लोग की तरह पटका पटकी नहीं करेगा या फाइटिंग नहीं करेगा जा करके बिना मतलब का, ठीक है। यहाँ भाई चलो आज वो मार दिया उसको आज छेक लिया तो ये सब के चक्कर में चलते हो ना खूब आजकल, तो ये यहाँ पे सीन ऐसा नहीं कुछ होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही कोई आयरन पार्टिकल है तो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। यानी दुश्मन भी अगर है तो उसको यहाँ से क्या करेगा, मान लेते हैं कि सॉरी दुश्मन की बात यहाँ ना करते हैं, सिंपली क्या बोला गया कि आयरन या आयरन से बने पार्टिकल इसके आसपास में रख दोगे तो जिस रीजन तक से अपनी तरफ आकर्षित कर ले उस पूरे फील्ड को हम लोग, उस पूरे रीजन को, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फील्ड है किसका, मैग्नेट का। और नाम क्या दे दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिख देंगे कि द रीजन या स्पेस भी लिख सकते हो अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट शोज इट्स स्ट्रेंथ, जहाँ पे वो अपना क्या दिखा रहा है, ताकत को दिखा रहा है, इज कॉल्ड द रीजन ऑफ या इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और एक और भी क्या बात बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, अब देखो तो मैग्नेट ये है, इसका स्ट्रेंथ भी यहीं पे ज़्यादा है, पोल्स पे ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो एक लाइन और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि दी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे मैग्नेट स्ट्रांग है, जहाँ पे वो ज़्यादा अपना ताकत दिखा रहा है। इट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी तुमसे पूछ दिया कि कहाँ पे इस पूरे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग कहाँ पे होगा, तो इसके पोल्स पे ही होगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। यानी एक लाइन और क्या लिख लेंगे कि दी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर नियर दी पोल्स, यानी जहाँ पे उसका पोल होता है वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और अब देखो एक और भी बात क्या बोले कि अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मैग्नेट को जैसे मान लेते हैं, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम यहाँ पे रख दिए तो क्या हम लोगों को इसका फील्ड दिखाई देगा, नहीं देगा। जैसा कि हम लोग चार्ज देख रहे, चार्ज की केस में देख रहे थे कि चार्ज अगर है तो उसके आसपास में कोई फील्ड हम लोगों को दिखाई नहीं देता था, वहाँ पे तो खैर चार्ज भी दिखाई नहीं देता था कि हाँ भाई देखो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हाँ ये इसका चार्ज है, ऐसा कुछ दिखाई देता था नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेट दिखाई दे रहा है लेकिन इसके आसपास में कौन सा कहाँ तक फील्ड है ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो जैसा वहाँ पे हम लोग चार्ज की केस में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देख सकते थे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका लेकर के आए थे, कुछ लाइंस खींचते थे जिसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसी तरह से मैग्नेट की केस में हम लोग एक सीन लेकर के आते हैं, एक टर्म लेकर के आते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हम कहना यह चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इज रिप्रेजेंटेड, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन्स, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, और मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जैसा वहाँ पे हम लोग देखे थे इसके बाद कि मैग्नेटिक फील्ड कितने, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हम लोग देखे थे कितने तरह का होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है क्योंकि वहाँ पे चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेट है तो कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे भी दो तरह का था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी दो ही है, एक यूनिफॉर्म हो जाएगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का कितना टाइप्स होता है। तो बताएं कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म कैसे, यूनिफॉर्म का सीन मतलब कि अगर मैग इस तरह से हो जैसा वहाँ पे था सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर जगह सेम है, वहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। यानी क्या लिख देंगे कि इफ़ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेंस सेम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर सेम नहीं रहा तब हम उसको दूसरा क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, इसमें इस तरह से रहेगा, ये मान लेते हैं कि ऐसा है मैग्नेट यहाँ पे, तो इस तरह से है, ऐसे है मान लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि ना स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो जहाँ वहाँ पे भी हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पे होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा होता था जहाँ पे लाइंस डेंसर होता था। यहाँ पे भी वही होगा, इधर में डेंसर है तो इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ज़्यादा गैपिंग है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिलहाल इसका डेफिनेशन क्या लिख लेंगे कि इफ़ स्ट्रेंथ, या मैग्नीट्यूड भी इसको लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड यानी इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो हम क्या बोले कि मैग्नेटिक के फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हाँ भाई एक मैग्नेट रख दिए, ये इसका फील्ड है देख लो, ठीक है, दिखाई नहीं दिया, इसीलिए उसके लिए एक इमेजिनरी लाइंस को हम लोग कुछ ड्रा कर देते हैं, और वही जो इमेजिनरी लाइंस होता है वह रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी क्या क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो दे आर इमेजिनरी लाइंस विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अब वेक्टर क्वांटिटी का आप लोग जानते हो सेम कि उसमें क्या होता है, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वही सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या देखा गया, जैसे मान लेते हैं कि एक मैग्नेट यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आयरन नेल्स को ऐसे ही छिड़क दोगे। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आखिर इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, जैसे उसमें हम लोग देखे थे कि पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जा करके टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेट ऐसे रखा गया, अब यहाँ पे ला करके आयरन नेल्स, एक मुट्ठा आयरन नेल्स लाया और यहाँ पे छिड़क दिए, स्वाहा। अब देखो आयरन नेल्स को हम लोग क्या देखें, या आयरन नील्स को ना रख करके आप यहाँ पे देख लो, उसको रख लो, छोटा छोटा कंपास नीडल को रख दो, तो कंपास नीडल का नीडल को हम लोग क्या देखते हैं कि वह सब जो कंपास नीडल है वो इस तरह से कुछ अलाइन हो गया है, ठीक है, ऐसे कुछ अलाइन हुआ है इस वे में। अब इस वे में अलाइन होने का मतलब कुछ हमें बताता है, देखो अंदर में भी रहता है, इस तरह से अलाइन होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे अलाइन हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि इससे क्या पता चलता है, तो इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है
या यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, तो यह बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है, ये मैग्नेट के बाहर में। देख लो ये मैग्नेट था, इस सीन को देख करके जैसा कि कंपास नीडल यहाँ पे ये पूरा अरेंज हो गया इस वे में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर में, ये मैग्नेट है यहाँ तक, तो इसके बाहर वाला ये सब हो गया, तो बाहर में इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, तो नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है। लेकिन अंदर में अगर देखोगे तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हम लोग चार्ज में क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ से निकला, साउथ में इंटर कर गया, ठीक है, और इंटर करने के बाद अंदर में क्या देख रहे हैं कि साउथ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। यानी वहाँ पे वो पूरा क्लोज लूप नहीं बनाता था, बस पॉजिटिव चार्ज ये था, नेगेटिव चार्ज ये है, तो क्या देखते थे कि यहाँ से निकला, यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा क्लोज्ड लूप बना रहा है, बाहर में देखोगे तो ऐसे जा रहा है और अंदर में भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। बाहर ये अगर नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये साउथ पोल मान लेते हैं, तो बाहर में नॉर्थ से निकला, साउथ में इंटर किया, और अंदर में कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग अगला क्या लिख लेंगे कि दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कहाँ से इमर्ज करता है, तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर कहाँ करता है, इंटर इनटू साउथ पोल, ठीक है। ये कहाँ का सीन है, आउटसाइड दी मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर में, आउटसाइड दी मैग्नेट एंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, साउथ टू नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, ये कहाँ का सीन है, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यह सीन हुआ किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। यानी बाहर आपको क्या ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो यह है कि इमेजिनरी लाइंस होता है जो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है आउटसाइड में, और इनसाइड में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या देख लिए, ये पहला और तीसरा पॉइंट को मैंने साथ में ही बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सीन हो गया किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और भी देख लेंगे, जो हम बोल चुके हैं कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होगा वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगले पॉइंट में क्या लिखते हैं कि हायर द नंबर ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हायर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे उसका क्या होगा, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कम होगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए एक ही वर्ड क्या लिख दिया जाता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी जस्ट उल्टा भी क्या है, सही है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फील्ड इस तरह से दिया गया है, मान लेते हैं कि यह कुछ फील्ड ऐसे दे दिया गया है ऐसे, और आपसे पूछ दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे वीक है, तो क्या बोल दोगे आप, बता सकते हो इसमें इजीली, यहाँ पे डेंसर लग रहा है तो डेंसर लग रहा है, तो इधर में इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मोर, क्यों ज़्यादा होगा भाई, तो क्योंकि इधर में क्या है, ये ज़्यादा डेंसर लाइन्स है, ज़्यादा घना है, ठीक है, और इधर में रेयरर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ इज लेस, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, कम है, क्यों लेस है भाई, तो क्योंकि इधर में ये क्या है, रेयरर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th जो भी है क्लास, उसका कंप्लीट वीडियो मिलेगा विथ क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन आपको 100 से प्लस ऊपर में आपको डाल दे रहा हूँ। एटलीस्ट आप क्वेश्चन सभी को पढ़ भी लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये हमारा वादा है, आप मेरे पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।